नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिच। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुंबई में आज उद्धव गुट के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान संजय राउत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के फैसले पर राउत ने कहा कि अगले एक दो दिन में कांग्रेस की जो कमेटी बनी है उसके साथ हम लोग बैठक करेंगे। कमेटी के साथ बातचीत चल रही है। आज ही मैं सुबह जो हाई लेवल कमेटी है कांग्रेस की, जिसके अपॉइंटमेंट जिस कमेटी का गठन किया है और जिसमें सीनियर लीडर्स है दिल्ली के, उनसे मेरे अभी अभी बातचीत हो गई है और एक दो दिन में खड़गे साहब ने जो कमेटी का गठन किया है या राहुल गांधी जी ने जिस कमेटी का, उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे और प्राइमरी डिस्कशन उस कमेटी के साथ हमारा लगभग हो रहा है या खत्म हो रहा है। लोकसभा के लिए महाराष्ट्र को लेकर मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और हमारे और एक साथी डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर जी यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ हमारी चर्चा लगभग पूरी हो गई है और बहुत ही सकारात्मक ये चर्चा है। तो ये चार ही हमारे जो घटक दल है उसमें कोई मतभेद हमें नहीं दिखते हैं। खास करके शिवसेना और राष्ट्रवादी में बातचीत खत्म हो गई है, कांग्रेस के साथ चल रही है, प्रकाश आंबेडकर जी के साथ भी हमारी अच्छी चर्चा चल रही है। सर कांग्रेस में आ रही कि आप दिल्ली जाने वाले हो ठाकरे जी के साथ, वहाँ पे कांग्रेस के आलाकमान नेताओं से आपकी बार मुलाकात होने वाली है, इसमें कितने? देखिए, जरूर हमारी चर्चा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होगी। वो प्राइमरी हमारा डिस्कशन की मीटिंग होगी। अब तक तारीख तय नहीं होगी लेकिन दो तीन दिन में हम जरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी चर्चा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया और उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। ये हमला तब किया गया जब वे राज्य में करोड़ों रुपए के राशन घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर छापा मारने गए थे। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर 24 परगना में कम से कम दो ब्लॉक स्तर के टीएमसी नेताओं शाहजा शेख और शंकर अध्या और उनके रिश्तेदारों के घर और कार्यालयों पर सुबह से छापे चल रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय चंदे की कमी से जूझ रही है। पार्टी के पास पर्याप्त फंड नहीं है जिस वजह से चुनावी तैयारियों में भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से पार्टी डोनेशन कैंपेन शुरू किया है। कांग्रेस ने पार्टी के नेताओं से भी चंदा देने की अपील की है। कुछ नेताओं ने पार्टी फंड में अपना योगदान भी दिया है लेकिन कुछ नेता अब भी आनाकानी कर रहे हैं। राहुल गांधी को जब ये बात पता चली तो वो नाराज हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई नेताओं ने बयान दिए कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रही इस कार्यवाही को पार्टी ने बीजेपी की साजिश करार दिया है। कई बार ये भी कहा गया कि बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डरती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गड्डी अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में उतर आए। केजरीवाल को ईडी के समन मिलने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने विकास पर भरोसा रखना चाहिए। देखिए, पहली मीटिंग थी, एक तरह से एक प्लान तय हुआ कि हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बात करेंगे, अलग अलग सेक्टर के लोगों के बीच में जाएंगे और उनके जो विचार होंगे उसको हम अपने मैनिफेस्टो में जगह देंगे। ये पब्लिक का मैनिफेस्टो होगा। कांग्रेस पार्टी पब्लिक के लिए है, हम देश के लोगों के लिए मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि
जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा जो विचार हो सकते हैं हम उसको अपने मैनिफेस्टो में जगह दें। कास्ट सेंसस की बात बाकी स्टेट के मैनिफेस्टो में भी करी जाती थी, क्या इसमें कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड करने की बात? ये अगले एकाद और मीटिंग में तय होगा, अभी आज तो एक इसी तरह का नॉर्मल ये मीटिंग थी, पहली मीटिंग थी, उसमें यही तय हुआ कि हम अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जो इनपुट आएंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इंडिया अलायंस के भी एक आपके पार्टनर है, उनको ईडी का समन मिला, इस बार भी स्किप किया अरविंद केजरीवाल का, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से समन पे समन मिले जा रहे हैं? सरकार को चाहिए कि दुरुपयोग बंद करे एजेंसियों का, लोकतंत्र में भरोसा रखे, अपने विकास कार्यों पे भरोसा रखे, एजेंसियों के भरोसे चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जिसपे आप राज्यसभा एमपी भी हैं, वहाँ जितेंद्र आव्हाड का जो कंट्रोवर्सी रहा उस पर क्या टेक रहेगा? नहीं देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। कश्मीर घाटी के शोपियां जिले के चोटी गांव इलाके में शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने ही कुछ घंटों में एक आतंकी को मार गिराया, वहीं अभी भी एक आतंकी के छिपे होने की सूचना है। जंगलों में दो आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, एक बार और आतंकी को मार गिराने के लिए वहां तलाश अभियान चलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार सुबह अवैध खनन मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, इंडियन नेशनल लोकदल INLD के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और अन्य से जुड़े 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी सूत्रों ने शुक्रवार सुबह बताया कि पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों से अवैध विदेशी हथियार, 300 कारतूस, 100 से अधिक शराब की बोतलें और 5 करोड़ नकद, 4 से 5 किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर उनकी जन्मभूमि अयोध्या में तैयार होने जा रहा है और 22 जनवरी को ऐतिहासिक तारीख होगी जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। राम मंदिर को भव्य बनाने के लिए हर छोटी से छोटी चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में मंदिर में प्रवेश द्वार को खूबसूरत और भव्य बनाने के लिए कुछ मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो राम दरबार के कदम रखने वाले भक्तों का स्वागत करेगी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। नेल्लोर जिले में MLC पर्वता रेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी की कार लोरी से टकरा कर पलट गई। इस हादसे में MLC पर्वता रेड्डी समेत 2 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नेल्लोर पूर्व रायलसीमा MLC विजयवाड़ा से नेल्लोर जा रहे थे, इसी दौरान सड़क पर उनकी कार एक लोरी से टकरा गई, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा हुआ। दिसंबर भले ही 6 साल में सबसे गर्म रहा, लेकिन जनवरी में दिल्ली की सर्दी रोजाना नए रंग दिखा रही है। दिल्लीवासी रात को ही नहीं, दिन में भी खूब कंपक रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली की सर्दी ने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 25 जनवरी 2013 के बाद कल 4 जनवरी को राजधानी सबसे ज्यादा कांपी थी। दिन का तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे चला गया। ऑरेंज अलर्ट की ठंड के बीच लोग दिन भर कांपते रहे। सर्दी बहुत पड़ रही है, सर्दी में आग जलाते हैं, क्या राहत मिलती है इससे? बहुत बहुत सर्दी इस साल, हाँ मरे जा रहे ठंड के मारे, बहुत बुरा हाल है। आग बराने से थोड़ी राहत मिल जाती है, और कुछ नहीं है। 2-3 दिन से बारिश से क्या नाम मौसम ही नहीं खुला, हाँ इस वजह से बहुत ज्यादा हाल खराब है। सब लड़के परेशान हैं, बच्चे सब परेशान, बूढ़े बड़े सब परेशान हैं। अब इससे सर्दी से सर्दी के बारे बुरा हाल है। ठंड बहुत हो रही है इस बार, बहुत ज्यादा ठंड है। आग जलाने से थोड़ी राहत मिलती है, और आग जलाए तो चालान होता है 5,000 रूपये का। हाँ क्या करें, मजबूरी में जलानी पड़ती है, अगर आ जाते तो बुझा देते, नहीं जलती रहती है आग। और आग से थोड़ी वो बनती रहा तो आग बंद कर दो, फिर वही हाल है। इस बार बहुत ठंड है, इस बार कैसी कभी ठंड नहीं पड़ी। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है ना, 2-3 दिन से माहौल मौसम बहुत ठंडा पड़ गया है। इसके चक्कर में काम वाम भी नहीं हो पा रहा है कुछ भी, क्योंकि ज्यादा सर्दी होने के कारण ना कस्टमर घर से बाहर भी नहीं आ रहे हैं, अंदर सब बैठे हैं। ठंडी बचने के लिए आग जला रहा हूँ, इतना ठंडी पड़ा है इसलिए आग जला के हाथ पांव सेक रहा हूँ। अकेले जलाते हो या फिर? मैं रोज जलाता हूँ। ठंड के बचने के लिए मैंने यहाँ पे आग जला रखा हूँ। तापने के लिए लोग बाग भी तापते हैं, मैं भी तापता हूँ, और यहाँ पे रहते भी हैं।
हाँ हम लोग से ठंड बढ़ गई है ना। हाँ जी हाँ जी। एक कुछ आग के अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास? आग के अलावा सर ये जैकेट वकेट पहने रहते हैं, मतलब जूता उता पहने रहते हैं अपना थोड़ा बहुत सेफ्टी के लिए। जो ऑप्शन है सबसे कारगर है उससे बचने के लिए? हाँ, बचने के लिए, ठंड के बचने के लिए सर आग ही है। आप आग से अलावा कोई नहीं है। आग से मतलब ताप वाप के मतलब पांव सुखा के बढ़िया से, होटल में काम करते हैं और यहाँ पे मतलब सोते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो इसीलिए के ताप वाप के हाथ पांव सुखा के उसके बाद सोते हैं। जॉब से आ रहा था यहाँ से तो आग देखी मैंने, बहुत ठंड हो रही थी, हाथ एकदम सुन्न हो रहे थे। आग के अलावा तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। इससे क्या है कि मतलब थोड़ा हाथ पैर थोड़ा गर्म हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब मैंने देखा भाइयों को अभी आग के सेक रहे थे तो मैं भी रुक गया इनके पास ना, तो अब मैं थोड़ा सेक कर। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।